हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूंगा और मैं होप करूंगा कि यह नया साल आपके लाइफ के अंदर आज तक का सबसे बढ़िया साल हो और इस साल के अंदर आपको सिर्फ सक्सेस के ऊपर सक्सेस ही मिले और आप कभी फेल्यूर का मुंह ही ना देखो। और इसे आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश कर अब हम बात करते हैं हमारे आज की वीडियो की। तो गाइज, हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि जॉन मॉक्सली ने काफी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है और सीएम पंक ने भी AEW कंपनी में जाने के बाद AEW कंपनी अंदर कुछ जीता है। इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। हमें इस बात की हिंट्स मिलने लग चुकी है कि मैं शायद कोटा इबुशी काफी जल्द ही AEW कंपनी के शोज के ऊपर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइस, स्टिंग ने भी अपने रिटायरमेंट के बारे में कुछ कहा है, तो इसलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज, अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज, अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस हफ्ते के डायनामाइट स्पेशल यानी कि न्यूएस्ट मैच का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस वीक का डायनामाइट शो एक बहुत ही बढ़िया डायनामाइट शो रहा है। लेकिन गाइज, इस सब के बावजूद सरप्राइजिंगली इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब करीब 10% कम हो चुकी है। और जहाँ पर इसके पहले हुए डायनामाइट स्पेशल यानी कि हॉलिडे बैच को व्यूअरशिप मिली थी 957 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो को ओवरऑल व्यूअरशिप मिली है 876 के व्यूअर्स, जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा ड्रॉप है। और वही अगर हम बात करें 18-49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइज 18-49 एज डेमोग्राफिक में भी इस हफ्ते के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप करीब करीब 4% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट स्पेशल हॉलिडे स्मैश को 18-49 एज डेमोग्राफिक के अंदर रेटिंग्स मिली थी 0.30, तो वही इस वीक इस हफ्ते के डायनामाइट शो को रेटिंग्स मिली है 0.28, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइज ओवरऑल में इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी कम हुई है। और प्रोबेबली इसका रीजन ये बताया जा रहा है कि वेंसडे नाइट को केबल टीवी के ऊपर NBA बॉल गेम्स की कवरेज चल रही थी और इसलिए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इतनी कम हुई है। पर इस सब के बाद भी इस हफ्ते का डायनामाइट शो वेंसडेज के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 3 के पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि पहले नंबर 3 के पोजीशन के ऊपर ही था, जो कि AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात रही, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतनी व्यूअरशिप कम होने के बावजूद डायनामाइट शो की रैंकिंग नीचे आ सकती है। लेकिन गाइस, ऐसा नहीं हुआ, जो कि AEW कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस व्यूअरशिप के ऊपर क्या कहना है। पर गाइस, मैंने तो आपसे कहा है कि मुझे लगता है कि AEW कंपनी की स्पेशल शोज की तो व्यूअरशिप कम से कम 1 मिलियन के ऊपर होनी चाहिए, इसलिए मैं तो ये व्यूअरशिप देखकर उतना खुश नहीं हूँ। पर AEW कंपनी को फ्यूचर के लिए गुड लक विश कर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में ऐसा क्या हो चुका है जो देखकर हम कह सकते हैं कि शायद हमें कोटा इबुशी काफी जल्द ही AEW कंपनी शोज के ऊपर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो गाइज, अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर AEW कंपनी के एक न्यूज, रूमर और अपडेट फॉलो किए है तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के एक टॉप स्टार जिनका के नाम है कोटा इबुशी, उनका न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और प्रोबेबली वो आगे चलकर AEW कंपनी के अंदर आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि AEW कंपनी के अंदर उनके काफी अच्छे दोस्त जैसे कि केनी ओमेगा और यंग बक्स है। और अब देखने में ऐसा लग रहा है कि शायद कोटा इबुशी के AEW कंपनी के अंदर आने के चांसेस काफी बढ़ चुके हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि आपने नोटिस किया है या नहीं, लेकिन गाइस हाल ही में जो AEW कंपनी का डायनामाइट शो हुआ है जिस शो के ऊपर द एलीट का एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच हुआ था, तो गाइस उस मैच के अंदर केनी ओमेगा ने एक व्हाइट टी शर्ट पहनी थी और गाइस ये व्हाइट टी शर्ट किसी और की नहीं बल्कि कोटा इबुशी की टी शर्ट थी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर केनी ओमेगा शायद हिंट कर रहे हैं कि हमें काफी जल्दी कोटा इबुशी AEW कंपनी अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज, अगर ऐसा है तो देखना पड़ेगा कि हमें कितनी जल्दी कोटा इबुशी AEW कंपनी के अंदर आते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि करंटली तो एक फ्री एजेंट है और शायद मुझे लग रहा है कि AEW कंपनी कोटा इबुशी का डेब्यू करवाने के लिए एक परफेक्ट मोमेंट का वेट कर रही है, तो देखना पड़ेगा कि वो मोमेंट कब होती है। पर मैं तो कोटा इबुशी को AEW कंपनी के अंदर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में स्टिंग ने अपने रिटायरमेंट के ऊपर बात करते हुए क्या कहा। तो गाइज, अगर आप करंटली स्टिंग को AEW कंपनी के शोज के ऊपर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में हमें स्टिंग और डार्बी आयरन इनके बीच में थोड़ी फार अनबन होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर रैम्पेज शो का ये रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो ये पता ही होगा। पर गाइज, हाल ही में स्टिंग का एक इंटरव्यू लिया गया और स्टिंग को उस इंटरव्यू के अंदर उनके रेसलिंग करियर के बारे में पूछा गया कि स्टिंग तो अब काफी ओल्ड हो चुके हैं, तो स्टिंग कहाँ तक कंटिन्यू
कंटिन्यू करने वाले हैं और स्टिंग की रिटायरमेंट के बारे में कोई प्लान है या नहीं। और इस पर जवाब देते हुए स्टिंग ने कहा कि स्टिंग ने अपने रिटायरमेंट का पूरा प्लान बना लिया है। और सच बताए तो स्टिंग की रिटायरमेंट के अंदर डार्बी एलन भी काफी बिग रोल प्ले करने वाले है, जो बातें यहाँ पर स्टिंग ने कही है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि गाइस स्टिंग ने AEW कंपनी अंदर अपने रिटायरमेंट के बारे में काफी पहले ही सोच लिया है। और स्टिंग की तरफ से उनकी रिटायरमेंट की स्टोरी लाइन भी तैयार है। और स्टिंग तो कह रहे हैं कि उनकी स्टोरी लाइन के अंदर डार्बी एलन काफी क्रूशियल रोल प्ले करने वाले है, तो देखना पड़ेगा कि क्या स्टिंग का रिटायरमेंट मैच डार्बी एलन के साथ होता है या फिर डार्बी एलन के खिलाफ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि डार्बी एलन वर्सेस स्टिंग ये स्टिंग के लिए AEW कंपनी अंदर एक परफेक्ट रिटायरमेंट मैच हो सकता है, जिसके ग्लिम्स भी हमें AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप डार्बी एलन और स्टिंग ये स्टिंग की रिटायरमेंट मैच के तौर पर AEW कंपनी अंदर देखना चाहते हैं या नहीं। पर गाइस सच में मैं तो ये देखना चाहता हूँ। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि हाल फिलहाल में जॉन मॉक्सली, सीएम पंक, MJF इन सभी ने AEW कंपनी के अंदर हाल फिलहाल में कौन सी नई चीजें अचीव कर ली है। तो गाइज मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगा कि ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बल्कि हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट है। कि गाइज मैंने आपको बताया था कि मैं हमारे चैनल के ऊपर AEW अवार्ड्स लाने वाला हूँ, और हम एक दिन एक वीडियो के अंदर उन सभी अवार्ड्स के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर उसी के बारे में बात करने वाला हूँ, और मैं फाइनली यहाँ पर आपको हमारे चैनल के AEW अवार्ड्स का रिजल्ट बताने वाला हूँ। और आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं यहाँ पर मेन मेन कैटेगरीज के बारे में बात करने वाला हूँ। और अगर आपको सब कैटेगरीज के भी रिजल्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर वहाँ पर AEW अवार्ड्स के रिजल्ट पढ़ सकते हैं, जैसे कि बेस्ट रेफरी ऑफ द ईयर कौन रहा, बेस्ट ब्रॉडकास्टिंग मेंबर ऑफ द ईयर कौन रहा, बेस्ट नॉन मैनेजर कौन रहा, मोस्ट इम्प्रूव्ड रेसलर कौन रहा, कमबैक ऑफ द ईयर किसका रहा। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें AEW अवार्ड्स की मेन कैटेगरी की, तो गाइज AEW अवार्ड्स की मेन कैटेगरीज के अंदर बेस्ट AEW ओरिजिनल सुपरस्टार का अवार्ड मिला है MJF को, जहां पर उनके साथ इस रेस के अंदर वार्डलो, जेट कारगिल और जंगल बॉय भी थे। पर फाइनली MJF को अवार्ड मिल चुका है। बेस्ट डेब्यू ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है सराया को, जहां पर इनके साथ नॉमिनीज थे कजुशिका ओकाडा, जेफ हार्डी और क्लोडियो कैसनोली। और इस सब के बावजूद भी सराया अवार्ड जीते है, जो देखकर मैं तो थोड़ा फार सरप्राइज था। AEW कंपनी की मोमेंट ऑफ द ईयर रही MJF का पाइप बॉम्ब, जो मेरे हिसाब से MJF को मिलना ही था। और इसके साथ और नॉमिनीज थे रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का खरीदना, फॉरबिडन डोर का ओपन होना और सीएम पंक का स्क्वाश होना। चैंपियन ऑफ द ईयर है हैंगमैन पेज, जो कि AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थे। और इनके साथ नॉमिनीज थे जेट कारगिल TBS वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, थंडर रोजा AEW वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए और जुरासिक एक्सप्रेस टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। राइवलरी ऑफ द ईयर के नॉमिनीज थे हैंगमैन पेज वर्सेस एडम कोल, जेरिको अप्रिसियन सोसाइटी वर्सेस ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब, द क्लेम वर्सेस स्वरिन और ग्लोरी और सीएम पंक वर्सेस MJF। और यहाँ पर बेस्ट राइवलरी के लिए सीएम पंक और MJF ने अवार्ड जीता है। पेपरी ऑफ द ईयर के नॉमिनीज आपको पता ही होंगे, और यहाँ पर अवार्ड जीता है डबल और नथिंग 2022 पेपरी ने। मैच ऑफ द ईयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनीज थे सीएम पंक वर्सेस MJF, जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी वर्सेस ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब, एनआरकी इन द अरीना मैच, द क्लेम वर्सेस स्वरिन और ग्लोरी ऑल आउट का और द एलीट वर्सेस डेथ ट्रायंगल फुल गियर का। और गाइज यहाँ पर अवार्ड किसी और ने नहीं बल्कि एनआरकी इन द अरीना ने मैच जीता है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही क्रेजियस मैच था। विमेन रेसलर ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनीज थे ब्रिट बेकर, थंडर रोजा, टोनी स्टॉर्म और जेड कारगिल, और ब्रिट बेकर ने अवार्ड जीता है, जो मुझे लगता है थोड़ा फार कॉन्ट्रोवर्शियल था। टैग टीम ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनीज थे FTR, द क्लेम, लुचा ब्रोस और जुरासिक एक्सप्रेस, और यह अवार्ड जीता है FTR ने, जो कि मुझे लगता है कि डिजर्व भी करते हैं। और बेस्ट मेल सिंगल्स रेसलर के लिए नॉमिनीज थे ब्रायन डेनसन, हैंगमैन पेज, क्रिस जेरिको और जॉन मॉक्सली। और गाइज यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने अवार्ड जीता है, और जॉन मॉक्सली बन चुके बेस्ट मेल रेसलर ऑफ 2022। और जहाँ तक बात है ओवरऑल रेसलर की, तो इसके लिए भी नॉमिनीज थे जॉन मॉक्सली, ब्रिट बेकर, क्रिस जेरिको और हैंगमैन पेज, और यहाँ पर भी जॉन मॉक्सली ने ही मैच जीता है। और यही कुछ है हमारे चैनल के ऊपर हुए AEW अवार्ड साल 2022 के रिजल्ट्स, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिर एक बार हमारे चैनल के अवार्ड्स को एक बहुत ही बड़ी सक्सेस बनाने के लिए थैंक यू। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी का एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing at all with me this time?